अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैब डॉक्टर फारिया बुखारी पाक इस्लाम पॉजिटिव लीग से आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जैसी आपसे लाइव इस वक्त बात कर रही हूँ। और मैं कैंपेन कर रही हूँ पाक इस्लाम पॉजिटिव लीग के प्लेटफॉर्म से। आसी देर से आपने नोट किया होगा कि हम लोग इस वक्त IMF के हाथों यजमान बनने जा रहे हैं, और ये मेरी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की शहरी होने के नाते कि मैं पाकिस्तान को इस काम से रोकूं, जो कि पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है करने जा रही है। तो मैं खासी देर से ये वीडियो करने के बारे में सोच रही थी, और फिर मैं रुक गई क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पे लोग कितने मोटिवेट होते हैं और कितना वो रिएक्ट करते हैं इमरान की इस बात पर। और मुझे ये देख के खुशी हुई है कि अभी भी पाकिस्तान में लोगों के ज़मीर जिंदा हैं, लोगों को एहसास है कि ये गलत होने जा रहा है। यही वजह है कि आज शुक्र है कि मीडिया पे इसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं, थिंक टैंक्स इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस इशू है, ये एक बहुत बहुत सीरियस इशू है। जब कोई शख्स आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, आपका बाजू ट्विस्ट करने की कोशिश करे, मरोड़ने की कोशिश करे, तो उसका रिएक्शन ये नहीं होता कि आप उसके ब्लैकमेल में आ जाएं, उसको अपना बाजू मरोड़ने दें, वो आपके साथ जो जाहिरियत का एटीट्यूड शो कर रहा है, आप उसको वो काम करने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जुल्म को मजीद फरोग देंगे, आप जालिम को मजीद फरोग देंगे, आप उसको इनकरेज करेंगे, ऑप्रेसर को इनकरेज करेंगे। पूरी दुनिया का इस वक्त जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो यरगमाल है। कुछ फॉरेन एंटिटीज का के जो कोशिश कर रही हैं कि पूरी की पूरी दुनिया पे उनका कब्जा हो जाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपने सुना है, फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में आपने सुना है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में वाकया है, 1913 में उसका क़याम आया था, और उसके बाद से फिएट करेंसीज जो हैं पूरी दुनिया में राइज हुई हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान भी जब बना तो यहाँ पर सोने का सिक्का राइज ना हो सका, जो कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक सही करेंसी होनी चाहिए थी। उसकी बजाय क्योंकि हम कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज के अंडर थे 1956 तक, तो उसकी वजह से जो हमारा फिस्कल फाइनेंशियल सिस्टम है वो इसी फेडरल रिजर्व बैंक की अंडर मॉर्गेज रहा। यही वजह है कि हमारे ऊपर कर्जों का ये अंबार लाद दिया गया, और आज हम इस अंबार के नीचे दब चले हैं। हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो है वो तबाह हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात बता रही हूँ कि हमारे मुल्क में नवाज ने बहुत गलत किया। मैं नवाज के खिलाफ हूँ, 2013 से मैं नवाज के खिलाफ कैंपेन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने कर्जे बहुत ज्यादा लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो कर्जे लिए और जिसके नतीजे में उसने जो डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए, उसके नतीजे में उसने कोई एज सच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस पे चेंजेस नहीं ला सका वो। उसके अलावा मैं जरदारी के भी खिलाफ 2013 से जो लोग इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो डॉक्टर फैब के मेरे जो ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वीडियोस मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है कि 2013 से मैं खुद तने तनहा नवाज के खिलाफ कैंपेन कर रही हूँ, जरदारी के खिलाफ कैंपेन कर रही हूँ, करप्शन के खिलाफ कैंपेन कर रही हूँ। ये जो फ्यूडलिस्टिक हैजमनी है एक दो इंस्टीट्यूशंस की पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के फिस्कल निज़ाम के ऊपर, उसके खिलाफ मैं कर रही हूँ कैंपेन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ मैं कैंपेन कर रही हूँ, एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए मैं कैंपेन कर रही हूँ, पाकिस्तान के 12 करोड़ किसानों की आज़ादी के लिए मैं कैंपेन कर रही हूँ। इसलिए अगर मैं आज इमरान खान के ऊपर तंकीद कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नवाज के साथ हूँ,
या मैं जरदारी के साथ हूँ या मैं उसकी ऑपोजिशन के साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शरिया के साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान के साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत के साथ हूँ, और मुझे जो समझ है, मुझे जो अकल है, उसके हिसाब से हम मदीना सालिस जो है आईएमएफ के दिए हुए पीनट्स पर, आईएमएफ के दिए हुए 6-7 बिलियन डॉलर के के की भीख पर हम नहीं बना सकते। दिस इज अगेंस्ट आर ईमान, इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। तो आज अगर मैं तन तन्हा पाक इस्लाम पॉजिटिव लीग के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इमरान को चैलेंज कर रही हूँ, तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि मैं अकेली हूँ। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम करबला लड़ रहे थे, उनके साथ सिर्फ 72 लोग थे। आज अगर मैं अकेली हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलत है वो कभी सही नहीं हो सकता। मदीना सालिस बनेगा, लेकिन मदीना सालिस जो है वो आईएमएफ की दी हुई भीख से नहीं बनेगा। ये इकोनॉमिक टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, पिछले 3-4 सालों में हमारा हर इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुआ है। उसमें नवाज का इतना ताल्लुक नहीं है, उसमें नवाज से ज्यादा हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है। उसमें जनरल गुल हमीद जैसे लेजेंडरी विजनरीज का ताल्लुक है कि जिन्होंने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जहाद का ऐलान किया, महाज का ऐलान किया, जब उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की, तब हमारे मुजाहिद गाजियों ने ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान को आजाद करा के छोड़ेंगे। तो ये क्रेडिट जो है ये सारा जाता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जिसने पाकिस्तान को आजाद किया। नवाज ने इंडिकेटर्स इंप्रूव नहीं किए इकोनॉमिक। नवाज का बस चलता तो वो अपना बैंक बैलेंस और भर लेता। इमरान जो अपने आप को क्रेडिट देता है, पीटीआई वाले जो इमरान को सारा क्रेडिट देते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इमरान को भी एस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प की है। तो ये अगर ये फैक्टर्स जो हैं, ये आप पीछे नहीं रख सकते। सच सच होता है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप अगर गलत को सपोर्ट करोगे, आप अगर बातिल के साथ खड़े होगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकोगे, आप अपने मकासद कभी पूरे नहीं कर सकोगे, आप पाकिस्तान को आजाद नहीं कर सकोगे, आप इसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे, आप इसी तरह से अंधेरों में भटकते रहोगे। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आईएमएफ इज नॉट द ऑप्शन। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे, उन लोगों की अकल पर जो ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। पीटीआई के वो मिनिस्टर्स जिन्होंने मदीना सालिस का नाम ले लेकर पाकिस्तान के वोटर से वोट लिए, आज वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमें आईएमएफ के पास जाना है। असद उमर कि हमें आईएमएफ के पास जाना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, झूठ बोलता है वो। पाकिस्तान के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। ये लूजर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 10 उससे बेहतर तरीन ऑप्शंस हैं और हम वो अवेल करेंगे। इस वक्त दुनिया सारी की सारी आईएमएफ से दूर भाग रही है, सिर्फ मुसलमान मुल्क नहीं, सिर्फ तुर्की नहीं, सिर्फ ईरान नहीं, रशिया नहीं, सिर्फ दुनिया सारी की सारी दुनिया आईएमएफ से दूर भाग रही है, इन फेडरल रिजर्व बैंकिंग से दूर भाग रही है। ये जो आपने डॉलर का एक इन्फ्लेट, ये एक एक सोलन बबल देखा है ना आपने, इसके पीछे फेडरल रिजर्व बैंक है जो कि डॉलर पागलों की तरह छाप रहा है, और ये बबल इतना एक्सपैंड हो गया है कि एक दिन ये फटेगा। और ये जो भी लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं इस वक्त, वो सब के सब कह रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू को सुपीरियसली फ्रॉडुलेंटली इन्होंने इंक्रीज किया है, जिसके नतीजे में बाकी सारी करेंसीज नीचे हो गई हैं। ये बबल फटना है, डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये जो जो पैसा फेडरल रिजर्व बैंक वाले
छापते हैं, ये पूरी दुनिया में इसको सर्कुलेट कर देते हैं, ये अमेरिका में नहीं रखते इसको। यही वजह है कि उनकी करेंसी स्टेबल रहती है। आपको पता है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। आप आज इंपोर्ट्स को रो रहे हो कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट कम है। आपको पता है कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट आपसे कहीं ज्यादा है। अमेरिका एक एवरेज अमरीकी के ऊपर आपके मुकाबले में कहीं ज्यादा कर्जा है। मुझे आप चैलेंज करो, मुझे आप ये सारे के सारे गूगल पे सब रिसर्च है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हर मुल्क के हैं। जो नेशनल डेट है, जो एक कंज्यूमर डेट है, जो एक एवरेज सिटीजन का डेट है, पर्सनल हाउसहोल्ड डेट है, वो एक अमरीकी का हमारे से कहीं ज्यादा है, एक यूरोपियन का हमारे से कहीं ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की आप डेट टू जीडीपी रेशियो देखो, हमारे से कहीं वर्स है, बदतरीन है हमारे से। ग्रीस की आप देखो, स्पेन की देखो, इटली की देखो, हमारे से वर्स जीडीपी रेशियो है उसकी, डेट टू जीडीपी रेशियो। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर हुए, हमने इम्प्रूवमेंट की है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हमने जीती है, हमने टेररिज्म यहाँ से मिटाया है, जिसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट हुई है। 62 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है सीपेक के नतीजे में। ये सीपेक दुनिया के किसी और मुल्क में जाता, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, इस वक्त वो ऑलमोस्ट सुपर पावर बन सकता था। और उसकी करेंसी की वैल्यू सिर्फ 10 रुपए होती कंपेयर टू अ डॉलर, अगर ये सीपैक किसी और मुल्क में जाता। हमारी जो मैथमेटिकल वैल्यू है, जो रियल ऑथेंटिक पाकिस्तान रुपए की मैथमेटिकल वैल्यू है, वो 50 या 60 रुपए पर डॉलर से ज्यादा नहीं है। इसको डिवैल्यू किया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि हमारा बाजू मरोड़ने वाले जो बाहर बैठे हैं, वो हमारे यहाँ पर साजिशी अपने एजेंट्स के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। IMF के पास भी हमें भिजवा सकते हैं दोबारा से। जब ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो आप उसके ब्लैकमेल में नहीं आते हो, वरना वो सारी जिंदगी आपकी जान नहीं छोड़ता है। इमरान IMF के थ्रू ब्लैकमेल हो रहा है। मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस, नोटोरियस मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने पाकिस्तान को सारी जिंदगी ब्लैकमेल किया है, अब फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं ये करेंसी क्रैशेस की फॉर्म में, जो कि सारे फ्रॉडुलेंट है। हमारी करेंसी मजबूत है, हमारी करेंसी कमजोर नहीं है, हमारी इकोनॉमी मजबूत है। हमारी मेजॉरिटी जो यहाँ पे बैंक्स हैं, वो शरिया सिस्टम पे चल रहे हैं, सूद पे इतना नहीं चल रहा यहाँ पे काम। आप मुझे बताओ यहाँ पे इस वक्त कितनी हाउसहोल्ड्स हैं कि जो इनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड डेट है, कि जिनके पास, और आप कितने कितने दुकानदार हैं यहाँ पे, कितने छोटे छोटे परचून की दुकान वाले हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, कितने ये फल बेचने वाले हैं कि जो क्रेडिट कार्ड मशीन रखते हैं, मुझे बताओ जरा। क्रेडिट का निजाम जो है अभी पाकिस्तान में पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उससे पहले अल्लाह का शुक्र है, मैं तारीफ करूंगी कि अल्लाह का शुक्र है हमारे उलमाए कराम का, कि जिन्होंने वॉर्न किया पाकिस्तानियों को। और यही वजह है कि एवरेज बंदा जो है, जो गांव में रहता है, उसको पास एक्सेस नहीं है क्रेडिट कार्ड की, वो ये सूदी निजाम पे नहीं चल रहा। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी मजबूत है, अभी भी कैश के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आपका घर आपने लेना है, आप मॉर्गेज नहीं अफोर्ड, इतनी हाई इंटरेस्ट मॉर्गेज बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। कैश है तो आप घर ले सकते हो, कैश है तो आप गाड़ी ले सकते हो, कैश है तो आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर बिजनेस लोन्स का इतना वो ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जो भी है आपका एक आपके हाथ में पैसा है जो आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है, इनकी साजिश समझने की कोशिश करो, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ो, गूगल पे जाकर इसके बारे में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। दुनिया में ये फैलाना चाहते हैं, आप लोग पैनिक कर रहे हो
कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं आपके खिलाफ और आप उनके इस टेररिज्म के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हो इमोशनली, जिसके नतीजे में आप खुद जानबूझ के अपनी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने पर तुले हुए हो. डू यू इवन नो व्हाट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट दैट इज? आपका जो सिस्टम, माशी सिस्टम जो है इस वक्त कंपेयर टू अ लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज बेहतर है, क्योंकि आपका एवरेज हाउस होल्ड पाकिस्तानी जो है उसके ऊपर कर्जा बहुत कम है कंपेयर टू एन अमेरिकन, कंपेयर टू इवन एन इंडियन, कंपेयर टू अ यूरोपियन. ये लोग अपनी करेंसी को फ्लोट कैसे कराते हैं? बाय प्रिंटिंग मोर मनी. फेडरल रिजर्व का काम क्या है? सारा दिन वो प्रिंट करता है आर्टिफिशियल मनी, आईयूज बना लेता है, खरीदता है. वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो आईयूज बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है, और वो आपका सेंट्रल रिजर्व बैंक खरीद लेता है, और उसके बाद इनकी आपस में मोनोपोली चलती रहती है, जिसके नतीजे में प्रॉफिट होता है बैंकों को, जो कि इंटरेस्ट कमाते हैं इन चीजों पर. तो आप इनकी साजिशों को समझो. इमरान बेवकूफ है, इमेच्योर है. मैं ये नहीं कहती कि वो करप्ट है, वो करप्ट नहीं है, ठीक है, उसने बाहर पैसा नहीं खाया. मैं ये नहीं कहती कि वो करप्ट है, लेकिन उसके नीचे बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं वो करप्ट है, और ये बेवकूफ है, ये लाई लग रही उनकी बातों में आ जाता है, जिसके नतीजे में ये IMF जा रहा है. इसको इसको अकल नहीं है, इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, इसको समझ नहीं है. He does not have a hold on to what exactly is going on in the international economic system. He is uneducated. उसको educate करो, उसको पढ़ाओ, उसको समझाओ कि अगर तुमने ये मुल्क संभालना है और जो मदीना सालिस का नाम ले लेकर तुमने लोगों से वोट लिए हैं, तुम उससे कैसे तुम गद्दारी कर सकते हो IMF के पास जाकर? ये कैसा मदीना सालिस बनेगा जिसकी बुनियाद जो है वो आप IMF के भीख में दिए हुए पैसों पे रखोगे? मैं तो बगावत करूंगी इसके खिलाफ. मैंने बगावत शुरू कर दिया, तो मेरे सड़कों में भी आना पड़ा, मैं आऊंगी इसके खिलाफ, क्योंकि मुझे मदीना सालिस चाहिए पाकिस्तान में. लेकिन मेरा मदीना सालिस जो यहाँ पे बनेगा वो IMF के पैसे पे कभी नहीं बन सकता. बहुत ऑप्शंस हैं. दुनिया अल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम्स पे जा रही है, क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं. क्रिप्टो करेंसीज में भी आगे से स्पेशलाइज करेंसीज आ गई हैं, हैश ग्राफ बेस्ड बेटर क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं. आपके ब्लॉकचेन्स भी अब नीचे हो गए हैं, अब हैश ग्राफ आ गया है. टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रही है, दुनिया दोबारा से गोल्ड और सिल्वर की तरफ जा रही है, और आप IMF की तरफ जा रहे हैं. What are you thinking? मैंने नवाज के खिलाफ बगावत की, मैंने जरदारी के खिलाफ बगावत की, तो आप क्या समझते हैं मैं आपके खिलाफ नहीं करूंगी? मैं ये नहीं कहती कि इमरान करप्ट है, इमरान करप्ट नहीं है, लेकिन इमरान बेवकूफ है, जाहिल है, गवार है. He needs to get educated. मैं डॉक्टर हूँ, मेरा प्रोफेशन मेडिसिन है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ, मैं माशियत पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, लेक्चर सुनती हूँ, कोर्सेज लेती हूँ. क्यों? क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज जो है वो इंटेग्रल है. मैंने आगे से एक फाइनेंस का वो एनालिस्ट नहीं रखा हुआ जो मुझे एडवाइस देता रहे इसकी तरह. मैं खुद समझती हूँ सिस्टम को, कोशिश करती हूँ समझने की. ये हर शख्स को समझना चाहिए. और ये क्रेडिट देना कि इमरान जो है उसने बहुत अच्छा किया, ऑस्टेरिटी का ये जो इन्होंने ड्रामा किया है, अगेन इसने बेवकूफी की इमरान ने, कि ये इसने खुद इसको मॉनिटर नहीं किया, इसने आगे से अपने मिनिस्टर्स को लगा दिया. आपको मालूम है कितना कितना घपला हुआ है पाकिस्तान की? इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जो कि पाकिस्तान की अवाम ओन करती थी, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओन करती थी, इन्होंने कोड़ियों के मोल 64 लग्जरी गाड़ियां, जिनमें से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, BMWs हैं, SUVs हैं, इन्होंने कोड़ियों के मोल अपने जान पहचान के लोगों को बेची हैं. ये घपला है, ये स्कैम है, जो कि इसके मिनिस्टर्स ने इसकी आंखों के सामने किया. जब KPK में इसके मिनिस्टर्स लूट रहे थे,
तब जब इसको लोग कहते थे कि तुम्हारे मिनिस्टर्स लूट रहे हैं केपीके को, तो ये सुनता नहीं था। इसका मसला है, इसका प्रॉब्लम है, ये इसका फॉल्ट है, इसको ये एक्सेप्ट करे। इसको डिनाई करने से आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। नवाज ने यही गलती की, जरदारी ने यही गलती की, अब आप पीटीआई वालों आप यही गलती कर रहे हो। मुझे पीटीआई वालों के एक विंग ने फोन किया बहुत पहले कि हम तंग आ गए इमरान की हरकतों से, वी आर फेड अप। एक रिफॉर्मर्स थे वो, पीटीआई के अंदर थे, मुझे उनका आप ज्वाइन करें हमें, हम इसको सीधा करेंगे। मैंने कहा मैं इसको सीधा नहीं कर सकती, ही इज एट एन एज जहां पे बंदा सीधा नहीं हो सकता। इट्स बेटर इफ आई बिल्ड माय ओन पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स व्हेन आई बिल्ड माय ओन पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अब वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। आपके देखिए टेररिज्म जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि गोलियां आ रही हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, और मतलब ये सिर्फ टेररिज्म ही होता है। एक इकोनॉमिक टेररिज्म होता है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। हमें आईएमएफ को पिटिशन करना चाहिए, हमें उन मॉनेटरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को पिटिशन करना चाहिए जो कि फ्रॉडुलेंटली इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी एक्सेसिव अमाउंट में फ्लोट करवा रहे हैं जानबूझकर, ताकि हमारी वैल्यू गिरे, और डॉलर प्रिंट करवा के उसको पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि डॉलर की वैल्यू बढ़े। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। मैंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म और इकोनॉमिक एजेंडा जो मेरे ख्याल में फॉरन एक रेस्क्यू प्लान है, वो मैं दे चुकी हूँ, और मैं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिसी ब्रेकर्स को वो प्लान दे चुकी हूँ। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पर अमल करेंगे। लेकिन आईएमएफ जो है वो इसका पार्ट नहीं है। वी कैन डू इट विदाउट आईएमएफ। जब कोई शख्स आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, आप उसकी बात नहीं सुनते हो, मानते नहीं हो, वरना वो आपको सारी जिंदगी ब्लैकमेल करता रहेगा। और वो लोग जो कहते हैं कि नवाज की दफा आप किधर थी, नवाज की दफा भी मैं उसके खिलाफ कैंपेन करती रही हूँ, 2013 से मैं कैंपेन कर रही हूँ, जरदारी के खिलाफ भी मैंने कैंपेन की है, अब इमरान की बेवकूफियों, हमाकतों, उसकी हरकतों पर भी मैं कैंपेन करूंगी, बगावत करूंगी, सड़कों पर आऊंगी, रेवोल्यूशन लेकर आऊंगी, जो करना पड़ा मुझे मैं करूंगी। लेकिन मैं पाकिस्तान की हकूमत को पाकिस्तानियों के नाम पर आईएमएफ से एक रुपए का कर्जा नहीं लेने दूंगी मजीद। इनफ इज इनफ। अगर मरीज वेंटिलेटर पर हो और मर रहा हो, लाइफ सपोर्ट पर हो, तो जो जहर जिसकी वजह से वो मर रहा है, वही जहर उसको इलाज के तौर पर नहीं दिया जाता। ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई आपकी वो नहीं है कि आपको ज्यादा सोचना पड़े। सूद हराम है, सूद बैन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपकी इकॉनमी बेटर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ब्रुनाई ने ये किया, ब्रुनाई ने बहुत पहले ये किया था कि उन्होंने अपना सारा सिस्टम शरिया कंप्लाइंट कर दिया था। उसके खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया विच इज ओन्ड बाय ओनली 6 Zionist companies ने शोर मचाया था, बड़ी सो कॉल्ड उन्होंने प्रोटेस्ट भी की थी बाय देयर फंडेड ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स, बट ब्रुनाई इज डूइंग गुड। ब्रुनाई ने उनकी बात नहीं सुनी। आप विद इन अ वीक पाकिस्तान के सारे सिस्टम को शरिया कंप्लाइंट कर सकते हो, इंटरेस्ट बैन कर सकते हो, गोल्ड करेंसी ला सकते हो, नोबडी कैन टच यू बिकॉज यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री। You have nukes. Nobody can touch you. You have defeated them in the war against terrorism. You have defeated them in their proxy wars. They cannot touch you. By the way, India ki stock market bhi crash ho rahi hai. Sirf Pakistan ki crash nahi hui hai. Ye Trump ki bewakoofiyan hain. De-dollarization ka process shuru ho chuka hai. Trade war shuru hui. China jo hai, Russia jo hai, wo deflect kar rahe hain from using dollar as their currency. Iran ne abhi yahan pe UNGA ke platform pe Europeans ko convince kiya hai, ab Europeans jo hain wo euro ko float karna cha rahe hain kyunki Brexit ki wajah se UK jo hai wo unse separate ho chuka hai, jiski wajah se ab unko apni fikr hai, they want the euro to be promoted. तो उन्होंने उनकी ईरान के साथ निगोशिएशन हुई हैं, जिसके नतीजे में ईरान मोस्ट लाइकली अपने ट्रांजैक्शंस यूरो के अंडर करेगा। तो
there are options available for Pakistan other than IMF. The world is starting to dump the dollar, and this is a reaction of Donald Trump to this global movement. So ye currency crashes jo hain ye fraudulent hain. Isme hamare state bank ke bhi Pakistani nationals traders involved hain kuch. Isme aapke politicians involved hain, kuch media anchors involved hain, jo ki IMF se loan lene par insist kar rahe hain. Aur inka audit hona chahiye, GIT baithni chahiye, judicial investigative team honi chahiye, jo ki in logon ko pakde, inko saza de, IMF ko petition kare for its manipulative coercion, for this dirty negative monopoly, which is illegal, by the way, in per the international laws. So, ye hamara bazu marone ki koshish kar rahe hain, aur maine aap में से जो लोग मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो करते हैं डॉक्टर फैद का, कल मैंने इनको धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है, अगर तुम उसका बाजू मरोड़ने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा. पाकिस्तान वेनेजुएला नहीं है. पाकिस्तान जो को तुम वो कोई अपना वो हलवा ना समझो. हम लोगों ने प्रॉक्सी वॉर तुम लोगों की डिफीट की है. हम लोगों ने तुम्हारी डिस्टेबिलाईजेशन प्रॉक्सी, ये जो तुम लोगों ने गंदी हरकतें यहाँ पे करने की कोशिश की है, वो सब हमने डिफीट की है. हमें तोड़ने के जो तुम लोगों ने मंसूबे बनाए थे, वो सब हमने तुम्हें शिकस्त दी है. अगर तुम इकोनॉमिक टेररिज्म करोगे हमारे खिलाफ, हमारी करेंसी को जानबूझ के क्रैश करने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हें अपना बाजू मरोड़ने नहीं देंगे. IMF को मैंने क्रिस्टिना लगार्ड, मैंने उसको डायरेक्ट ट्वीट की है उसके अकाउंट पर कि तुमने खबरदार जो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, तुम्हें हम पिटिशन करेंगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट में. हाउ डेयर यू ट्राई टू ब्लैकमेल पाकिस्तान. बाय द टाइम वी गेट डन पिटिशनिंग यू, यू विल हैव टू पैक अप योर बैग एंड लीव पाकिस्तान. और तुम लोगों को जो थोड़े बहुत तुम लोग कस्टमर्स रह चुके हैं ना पूरी दुनिया में, वो भी तुम लोग खत्म हो जाएंगे. रिमेंबर दैट. पाकिस्तान को हलवा नहीं समझो कि तुम इकोनॉमिक टेररिज्म करो. हमारी करेंसी मजबूत है. हमारी करेंसी की वैल्यू 50-60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तुम लोग कह रहे 150 पे लेकर आए, क्यों लेकर आए? नहीं, हम लेकर आएंगे. वी नो वी आर स्ट्रॉन्ग. हमारे यहां पे कैश पे होता है कारोबार. आर्टिफिशियल करेंसी कम है. इंटरेस्ट भी जो हमारा है वो शरिया कंप्लायंट इंटरेस्ट से ज्यादा हमारे यहाँ पे शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सिस्टम आ गया है. इवन स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपके शरिया कंप्लायंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है. आप हमारा पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है वो घबराता है लोन से, मॉर्गेज से. यहाँ पे कैश पे कारोबार होते हैं, अरबों का कारोबार होता है, कैश पे होता है. तो तुम कहते हो कि पाकिस्तान की करेंसी मजबूत नहीं है. पाकिस्तान की करेंसी बहुत मजबूत है. पाकिस्तान की इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं. हमारा GDP पर कैपिटा इंप्रूव हुआ है. हमारी इन्फ्लेशन कम हुई है. हमारा ग्रोथ रेट इंप्रूव हुआ है. हमारा GNP इंप्रूव हुआ है. हमारी डेट टू GDP रेशियो बहुत बेहतर है तुम लोगों से. तुम लोग कैसे कहते हो कि हमारी करेंसी कमजोर है, हमारी इकोनॉमी कमजोर है? ये बिहेवियोरल इकोनॉमिक्स है. ये बिहेवियोरल इकोनॉमिक्स के थ्रू एक ऐसा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाए, हमारे प्रोडक्ट्स ना बिकें, लोग हमारे अंदर इन्वेस्ट ना करें. जैसे उन्होंने टेररिज्म का प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान में तो इन्वेस्ट ना करो, पाकिस्तान में टेररिज्म ही बहुत है. अब ये कहेंगे कि पाकिस्तान की करेंसी शेकी है, पाकिस्तान की करेंसी में ट्रेडिंग मत करो. क्यों? क्योंकि उसमें इनका फायदा है. क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये हमें अपने घुटनों पे सर टेकने पर मजबूर कर दें. क्यों? क्योंकि ये हमें कॉन्कर नहीं कर सके, हमारे ऊपर ये पता नहीं कर सके. इसलिए आज मैं अकेली खड़ी हूं. अकेली खड़ी हूं मैं, बगावत कर रही हूं मैं इमरान के खिलाफ. ये लेके तो दिखाया है मुझसे एक भी पैसा. मैं अकेली खड़ी हूं. मेरे साथ कितने लोग आएंगे, कितने लोग मेरा साथ देंगे? जो गलत है वो गलत है, उसको आप सही नहीं कर सकते. जो भी गलती करेगा मैं उसको कहूंगी तुम गलत कर रहे हो. नवाज ने की, मैं उसके खिलाफ खड़ी हुई. जरदारी ने की, मैं उसके खिलाफ खड़ी हुई.
आज इमरान कर रहा है तो मैं इसके खिलाफ भी खड़ी होंगी, मैं उसको भी चैलेंज करूंगी, मैं इसके खिलाफ भी बगावत करूंगी। रोक सको तो रोक लो। खुदा हाफिज़।